अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक, खुश और मजे में। आज मैं आपके साथ एक इंस्टेंट रिमिक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बट रेसिपी शेयर करने से पहले, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट रिमिक्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैं लूंगी 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर, 4 एंड दिस इज 5। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 टेबलस्पून शुगर ले लिया है और ये इंस्टेंट प्रीमिक्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, जिससे आप रबड़ी प्रिपेयर कर सकते हैं, कुल्फी या आइसक्रीम प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस प्रीमिक्स को अपनी खीर में भी ऐड कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कैरेमल सॉस तैयार करेंगे। तो 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर ले लिया है, इससे एक हम बहुत अच्छा सा कैरमल प्रिपेयर करते हैं। शुगर को स्लो फ्लेम पे हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे। तो आइए चले इसका मेल्ट होने का वेट करते हैं। इसे चारों साइड स्प्रेड कर दीजिए लाइक दिस और स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से मेल्ट होने दीजिए, कैरमलाइज होने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो हमें इसी तरह से पूरी की पूरी शुगर को मेल्ट कर लेना है। प्रॉपर कैरमल शेड आने लगा है, आप देखिए। तो हल्की सी थिकनेस होने तक हम इसे कुक करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इन बिटवीन जब तक हमारी सॉस यहाँ पे प्रिपेयर होती है, शुगर यहाँ पे मेल्ट होती है, तब तक हम ब्रेड के क्रम्स को रेडी कर लेते हैं। तो शुगर को मैंने कैरमलाइज होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने लिए 5 पीस ऑफ ब्रेड। तो आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, जो भी आपके वहाँ आती है या जो भी आपको पसंद है, एक्सेप्ट ब्राउन ब्रेड। तो हम पहले इसके एजेस को कट करेंगे। तो आइए चले एजेस को कट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारी ब्रेड्स के एजेस को कट कर लिया है इस तरह से, और हमने जो साइड्स को कट किया है, कॉर्नर्स को, इसको वेस्ट नहीं करना है। आप इसके भी ब्रेड क्रम्स बना के पकौड़े में या किसी भी फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब हमें चाहिए एक मिक्सर ब्लेंडर। तो ये लेते हैं ब्रेड और इसके छोटे छोटे पीसेस इसमें करके इस तरह से टियर करके ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप बाकी के भी ब्रेड्स को टियर कर करके छोटा सा पीस बनाइए और अपने मिक्सर ब्लेंडर में ऐड कर लीजिए। और अब हम इसे बनाएंगे एक फाइन पाउडर। तो मिलते हैं आपसे पाउडर बनाने के बाद। तो जब तक ये कैरमल हमारा प्रिपेयर होता है, तो हमें लेना है एक बटर पेपर। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी स्टील की थाली या प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। और पहले उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। हालांकि ये बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं इसको ग्रीस करूँगी। मैं इसे बटर से ग्रीस कर रही हूँ। आप अगर चाहिए तो आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारी कैरमल सॉस प्रिपेयर हो जाएगी तो हम उसे यहाँ पे पोर करेंगे और उसको सॉलिड फॉर्म में लाने तक, यहाँ पे थिक होने तक वेट करेंगे। तो ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारी कैरमल सॉस यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है। ये देखिए स्पून पे भी ये अपना शेप ले ले रही है। तो ये अब हम करते हैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ और सॉस को इसके ऊपर कर देते हैं पोर, थोड़ा थोड़ा सा करके। इस तरह से इसे थोड़ा सा फ्लैटन कर ले,
बचे हुए सॉस को भी ऐड कर लीजिए। एंड एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कैरेमल सॉस या कोई भी गर्म चीज़, ये स्पेशली शुगर तो बहुत ही स्टिकी होती है, तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से कीजिएगा कि आपके हाथ में मत लगे, अदरवाइज बहुत ही ख़तरनाक सी जलन होगी, स्किन बर्न हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कैसे तार सब पड़ जा रहा है, ये जमना स्टार्ट हो गई है। तो हम इसके लिए मैक्सिमम 4 to 5 मिनट का वेट करेंगे और ये बहुत ही अच्छी सी जम जाएगी। तो आइए चले वेट करते हैं 4 to 5 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है और अब इसमें मैं अपने ब्रेड क्रम्स को रोस्ट करूँगी। तो ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर देते हैं और इसे करते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन रोस्ट। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट रबड़ी प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी के साथ आप आइसक्रीम बना सकते हैं, कुल्फ़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, और यकीन कीजिए कि आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा कि आपने कोई झटपट से प्रीमिक्स के साथ इतनी टेस्टी रबड़ी बनाई है, वो भी घर पे बिल्कुल बाजार जैसी। तो इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइए चलिए इसे लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करते हैं। देखिए ब्रेड क्रम्स को बहुत अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर इसमें आ गया है और फ्लेम को मैंने ऑलरेडी ऑफ कर दिया है और वेट करते हैं कि ये क्रम्स हमारे कूल डाउन हो जाएं, ठंडे हो जाएं। तब तक चलते हैं और देखते हैं जो हमने कैरेमल सॉस को पोर करके उसे थिक किया था, वो देखते हैं प्रिपेयर हुई या नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो कैरेमल को हमने जमने के लिए, सॉलिड होने के लिए यहाँ पे रखा था, तो इसका लुक कुछ ऐसा है। और आए चले इसे निकालते हैं इसमें से। वाव, ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से ये जम गई है। तो इसे आप बटर पेपर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हल्का सा बटर पेपर लगा हुआ है, तो परेशान होने की बात नहीं है। इसे हम करेंगे क्रश। पहले आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है कि हमारी फिंगर्स या चॉपिंग बोर्ड, ये सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। तो इसे छोटे छोटे क्यूब्स में हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे। इसी तरह से सब क्यूब्स को ब्रेक कर लीजिए। ये देखिए जो शुगर, इसको हमने ब्रेक कर लिया है और अब हम इसे ऐड करेंगे इस ब्लेंडर में, जिसमें हमने पहले भी ब्रेड क्रम्स को ऐड करके पाउडर बनाया था। और इसमें अब मैं ऐड करूंगी ब्रेड क्रम्स को। और ये ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जिसे पहले एजेस को कट करने के बाद स्लाइसेस निकाल ली थी और उसे टेयर करके ब्रेक किया और पॉट में ऐड करके ब्रेड क्रम्स प्रिपेयर किया था और लाइट गोल्डन ब्राउन रोस्ट किया। फिर जो कैरमलाइज शुगर थी उसे थिक करके सॉलिड फॉर्म में ले आई थी और उसे टेयर करके पॉट में ऐड किया। तब इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके एक अच्छा सा फाइन सा पाउडर प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर लेती हूँ एक सीड। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो पाउडर प्रिपेयर किया था हमने ब्रेड क्रम्स और कैरमलाइज शुगर से, तो उसे हम इस सीव की हेल्प से एक बार छान लेंगे, बिकॉज कहीं कहीं बटर पेपर रह जाते हैं जो प्रॉपर क्लीन नहीं होते हैं, तो इस सीव की हेल्प से पेपर आउट हो जाएंगे और पाउडर भी बहुत अच्छे से छन जाएंगे। तो आइए चलिए सीव की हेल्प से हम इसे छानते हैं। ये देखिए कुछ पाउडर इस तरह से आ रहा है, कितना सॉफ्ट और स्मूथ दिख रहा है और कलर कितना जबरदस्त सा है, लाइट गोल्डन ब्राउन। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर ऐड करूँगी, ये गया 1।
और ये गेट टू जिसे मैंने ऑलरेडी मेजर करके ही निकाला था। ये है मेरे पास मिल्क पाउडर, मैं इसमें अराउंड 4 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। 1, 2, 3 and 4। कॉर्न स्टार्च ऐड करने से ये होगा कि जब हम रबड़ी को कुक करेंगे तो बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी की रबड़ी प्रिपेयर होगी, जैसे कि हमें चाहिए, बिल्कुल बाजार जैसी। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ सीड्स इलायची के, एक फ्रेग्रेंस के लिए, और इससे फ्लेवर भी आएगा। इसे करते हैं मिक्स सब चीज़ों के साथ, और यहाँ पे सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लीजिए। और मैं ऐड करूँगी कुछ फ्रेश रोज पेटल्स, इससे फ्लेवर टेस्ट दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको बना के एयर टाइट बॉक्स में करके आप इसे रख सकते हैं, और अगर आप इसकी लाइफ और बढ़ाना चाहते हैं तो आप एयर टाइट कंटेनर में इसे रख के आप फ्रिज के अंदर इसको ज़रूर स्टोर करें। तो ये आप ट्रस्ट में आप इसको 6 months to 1 year तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रबड़ी प्रीमिक्स और रबड़ी इंस्टेंट प्रीमिक्स प्रिपेयर हो गया है। अब जब भी आपको रबड़ी बनानी है, आप 1/2 liter मिल्क लीजिए और 1 cup भर के ये प्रीमिक्स आप उसमें ऐड कीजिए, आपकी ज़बरदस्ती इंस्टेंट रबड़ी प्रिपेयर हो जाएगी। कुल्फ़ी बन सकती है इससे, आइसक्रीम बन सकती है, और आप इसे खीर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताएं कि आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी, आपको पसंद आई या नहीं आई। और आप भी अगर रबड़ी के लिए कोई इंस्टेंट प्रीमिक्स बनाते हैं तो मेरे साथ उसे शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, इसके साथ रबड़ी बनाएं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स किड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।